प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और किसी भी शहर की नींव होते हैं वहाँ के प्राथमिक विद्यालय। हमारे पीछे आप देख सकते हैं वाराणसी का एकमात्र प्राथमिक विद्यालय, जिसमें बच्चे जो हैं वो इतनी कड़कड़ाती ठंड में आपको जमीन पर बैठे हुए दिखेंगे। मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरामैन पैन करें इस समय, बच्चे यहाँ जमीन पर बैठे हुए हैं और इतनी कड़कड़ाती ठंड में यहाँ पर क्लासेस जमीन पर बैठा करके लगाई जा रही हैं। बच्चों के पैर में सही से जूते मोजे तक मौजूद नहीं है। हम बात करेंगे इन बच्चे नहीं है उनके पास, जबकि जिला प्रशासन ने अगस्त सितंबर के महीने में ही बोल दिया था कि बच्चों को स्वेटर, सॉक्स और शूज मुहैया करा दिए जाएं, क्योंकि ठंड पड़नी इस बार तेजी से लाजमी थी। आइए हम बात करते हैं बच्चों से कि किस तरीके से उनको क्या चीजें मिली हैं और वो नहीं पहन रहे हैं, या चीजें मिली ही नहीं हैं अभी तक। आपका नाम क्या है? दीप। कौन सी क्लास में हो? वन। जमीन पे क्यों बैठे हुए हैं? जमीन पे क्यों बैठे हैं? इधर आओ बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? कौन सी क्लास में हो? कक्षा वन। कक्षा वन में। तुमने ड्रेस क्यों नहीं पहनी है? नहीं है। ड्रेस नहीं है, मिली नहीं है? जूते मोजे कहाँ है तुम्हारे? नहीं है। कुछ भी नहीं मिला है अभी तक स्कूल की तरफ से? जी, आइए बात करते हैं यहाँ के टीचर्स से भी। मैम, आप बता दें कि क्या सच्चाई है, किस तरीके से क्यों ये बच्चे अभी तक जूता मोजा नहीं पहने हुए? नहीं मैम, सबको जूते मोजे मिल गए हैं। ये अभी आपने जिससे पूछा है तो इस बच्चे का अभी नामांकन नहीं है हमारा। स्कूल प्रशासन का कहना है कि हर एक बच्चे को सारी चीजें मुहैया करा दी गई हैं जिससे ठंडक रोकी जा सके। हालांकि कुछ बच्चों का ये कहना है कि अभी तक उन्हें सामान नहीं मिला है, जबकि लोग ये कह रहे हैं कि ये वही बच्चे हैं जिनको नामांकन प्रक्रिया से अभी बाहर रखा गया है। अब सच्चाई क्या है और क्या नहीं है, ये कैमरे में कैद हो चुका है। अर्णिमा द्विवेदी, ईटीवी वाराणसी। प्रति बच्चे 200 रुपए स्वेटर की व्यवस्था की गई है, जिसमें से हमारे जनपद में 1,84,646 बच्चे नामांकित हैं। इनके लिए हमने पूरे 100% बच्चों को स्वेटर उपलब्ध करा दिया है और प्रथम फेज में हमें जो है जो धनराशि 50% मिली थी वो सभी विद्यालयों के एसएमसी खाते में पहले ही भेजी जा चुकी है। शेष 50% की धनराशि हमने विभाग से मांग की है, जो लगभग 2,26,200 रुपए की हमने मांग की है, और वो धनराशि जैसे भी हमें शासन विभाग से प्राप्त होगी विद्यालयों के एसएमसी खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी। हमारे यहाँ स्वेटर सभी बच्चों को प्रदान कर दिए गए। सर, क्या इस बात की भी देखरेख की जा रही है कि विद्यालयों में सभी बच्चों को ये स्वेटर मिल जाए? क्या निगरानी रखी जा रही है इस बात पर? निरीक्षण के दौरान हम सामूहिक निरीक्षण कराते हैं हर ब्लॉक का। उस निरीक्षण में हमारा जो भी सुविधाएं बालकों को दी जाती है उनका भी परीक्षण कराया जाता है कि बच्चों को जूता मोजा, बैग, स्वेटर ये मिल गए हैं कि नहीं। तो निरीक्षण रिपोर्ट में हम देखते हैं कि सभी जगह जो है स्वेटर आदि का वितरण करा दिया गया है।